কিন্তু সব কিছু মান্য সম্পে অজন্তির অবন্ত লক্ষ্মী তোট ন অবৈ ক্ষয় খরচ রহন্দ লক্ষ চৌরসি নেতুনি সব সেব করন্দ এহে বারি মিত্র সব কীতে নহে মঙ্গে হে মন্দ লিখ কোয়ে না পুছাই যা হর বক্ষন্দ আনন্দ পায়া সুখ পায়া মিল গুরু গোবিন্দ সবে কাজ সবারে তুদ পাবন্দ আনন্দ পাইয়া সুখ পায়া মিল গুরু গোবিন্দ সবে কাজ সবারে তুদ পাবন্দ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ 2014 ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 2015 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਵਸੀਏ ਸੁਖੀ ਵਸੀਏ ਔਰ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਔਰ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਰ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਵਰ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਰਿਆਇਤ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਸਭਨਾਂ ਅਜੋ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਸੈ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੋਈ ਆਸੈ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਹੈ ਬੂਠਾ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸਹਿ ਬਹਰਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ ਨੌਨਿਦ ਤੇਰਾ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਅਘਾਵੈ ਸੋਈ ਭਗਤ ਤੁਮਹਾਰਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖਸਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
जिमें कि रोज विचार कर रहे हैं जफरनामा साहिब अदब दे नाल असी आखते हैं साहिब इसलिए आखते हैं कि यह साढ़े साहिब का उचारण किया होया ते लिखिया होया है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का यह वो पत्र है, एक इतिहासक पत्र जिहड़ा सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने चमकौर साहब के युद्ध तो बाद दीना कांगड़ के पिंडां दे विच एक स्थान भाई देसू के देसा सिंह के चुबारे ते बैठ के लिखे आ। उस स्थान ते अजकल गुरद्वारा बनिया होया गुरद्वारा जफरनामा साहब और उत्थे आबादी हो गई है ते स्थान का नाम रखिया है उस आबादी का दयालपुरा भाई का। उस स्थान ते बैठ के सतगुरां ने जफरनामा लिखिया 112 इसके शेर ने फारसी दे विच आखिया सतगुरां ने लिखिया जिस दे असीं कल उन्ती शेरों की असी नहीं 33 शेरों की असी विचार जी है कल कर चुके हैं, कल तक हो चुकी सी, फर्दर आप और अगे विचारते हाँ। यह विचार चलद चलद इस थान पर पहुंची सी सतगुरु महाराज जिस वेले चमकौर की गढ़ी में घिर जाते क्यों घिरे क्योंकि झूठियां सौहां का सिंह ते गुरु पातशाह शिकार हो और वार वार कह रहे हैं बमुसफ कसम खुफिया गर फुरदमे न यक गाम हम पेश अजां फुरदमे। औरंगजेब तू ते तेरे साथियों ने लिखती तौर पर सुगंधा लिख भेजियां सन जे असी कि जबानी भी सौ खाधी होंगी असी एक कदम भी अगे ना उठाते भाव अपने आखी बचन तो इधर तो उधर ना होंगे टस तो मस ना होंगे। और जिस वेले महाराज चमकौर की गढ़ी में घिरे ने तो उत्थे कहिंदे ने बड़ाचार की दरमिया आमदम बतत वीर तीरो कमा आमदम मैं मजबूर हो गया इस वेले कि मैनू मैदान दे विच आना पिया। और मैं बीती शाम यह अर्ज की सी तुसीं जिहड़े नहीं बैठे सो तुहाडे वास्ते मैं रिपीट कर रहा इस तों साबत हुंदा है कि सतगुरु महाराज आनंदपुर साहब तो निकल के चमकौर की गढ़ी तक पहुँचन तक उन्होंने आप शस्त्र की वरतों नहीं की ऐसी लोड़ नहीं बनी क्योंकि पहला भरोसे नाल निकले एक जथा अगे सी एक जथा पिछे सी विचकार सतगुरु महाराज आप सन। जिस वेले परिवार विछोड़ा वाली थां ते पहुँचे तो खबर मिल गई कि पिछों दुश्मन ने हमला कर दिता है तो संभव है भी अगले पासे जिहड़े रंगड़ ने वह भी हमला कर दे। अगों हमला होया नहीं और सरसा तो पारले पासे सन गुरु साहब ने भाई साहब बजित्र सिंह होरां नूं आखिया भी तुसीं अगा हो के उन्हां नूं रोको। पिछले भाई उदय सिंह नूं ते भाई अपना साहबजादा अजीत सिंह होरां नूं आखिया कि तुसीं पिछलियां दा टाकर करो तो सतगुरु महाराज विच विचरदे होए लंघदे होए तेजी दे नाल साइड नूं हो के ते नियंग खान की हवेली विच पहुँच जांदे। रात दे हनेरे विच ही अजे दिन का चढ़ाव नहीं हो गया सी इत्थे सारी दिहाड़ी रह के ते रात नूं नियंग खान दे बेटे नूं नाल लै के क्योंकि वह रस्ते का भेती सी उहनूं नाल लै के ते चमकौर पहुँचदे ने चमकौर साहब। हुण याद रखण वाली गल है कि पिछले दिन ही पंजाब सरकार ने एक चंगी गल की थी कि आइंदा असी इस स्थान नूं श्री चमकौर साहब आख के याद करांगे असी आबादा दया करांगे।
इसे तरह माछीवाड़ा साहब असी कहिंदे सां नाल आखिया हूँ श्री माछीवाड़ा साहब इस सरकारी कागजा के विच ना इस प्रकार का नाम दर्ज हो गया। सतगुरु महाराज चमकौर पहुंचे ने चमकौर साहब रात हनेरे दे विच अयो अंदाजा किया जा सकता है कि अद्धी रात के करीब करीब इत्थे पहुंचे या अद्धी रात लंघाऊ हो गई जिस वेले इत्थे पहुंचे। जिस वेले दुश्मन दीयां फौजां पिछों आउंदियां ने तां अयो अंदाजा किया जाता है कि दुश्मन दीयां फौजां नूं पता लगन तो बाद ये सवेर दी दोपहर दे करीब करीब फौजां उत्थे पहुंचियां ने और उन्होंने अटैक किया। हम सतगुरु इत्थे महाराज कहिंदे ने कि जिस वेले तेरियां फौजां ने मजबूर कर दिता तो उस वेले बालाचारगी दरमियां आमदम बतदबीर तीरों कमां आमदम लाचारी मजबूर मजबूरी दे नाल असी फिर मैदान विच आए असां ने तीर कमान संभाल ले और उत्थे ही यह वचन आखिया जिहड़ा असी अक्सर याद करिया करते हाँ चुकार अज हमा ही उते दर गुजश्त हलाल अस्त बुरदन व शमशीर दस्त। जिस वेले बाकी सारे हीले वसीले लंघ जान तुहाडा कम सरे ना तो हलाल अस्त फिर ठीक है धर्म अनुसारी है की धर्म अनुसारी है हलाल अस्त बुरदन व शमशीर दस्त तलवार नू पकड़ लेना शस्त्र नू पकड़ लेना फिर यह धर्म अनुसार है। सतगुरु जी महाराज ने यह वचन किया फिर नाहर खान का जिक्र किया जिहड़ा असी बीती शाम कर चुके हैं कि चू दीदम के नाहर बेआमद बाजाऊं चशीदा या के तीज मन बेदरंग मलेरिए सरदार जिन्हां दे बाबत असी पिछले दिन विचारिया अक्सर ही दीवाना विच आपां विचारदे हां कि साहबजादियां नूं जिस वेले वजीर खान ने देखिया भी छड़ना मैं चाहुंदा नहीं मारन दे वास्ते कोई फतवा इशू नहीं हो रहा तां उस वेले शेर मुहम्मद खान जिहड़ा मलेरकोटले वाला सी उस दे हवाले कर दिते लै तूं अपने भरा दा ते भतीजे दा बदला लै ला। शेर मुहम्मद खान दा एक भरा नार खान कुछ इतिहासकार तां कहिंदे ने कि सक्का भरा सी कुछ कहिंदे ने कि इस दा चचेरा भरा सी चाचे दा पुत भरा सी इसके होर भरा वली मुहम्मद खान और एकदम अज फरदर अगे जाके जिक्र आने वाला है इतों आप शुरू करना है। ये भरा भी इस युद्ध के आए हुए सन लेकिन शेर मुहम्मद खान का एक भरा नार खान जिसनों सतगुरु महाराज पछाण रहे और मैं बीती शाम अर्ज की सी देखो साढ़े ध्यान दे विच किसे दी कीती हुई भलियाई कितनी अहमियत रखती है महत्व रखती है कि असी उस दियां कमजोरियां नूं नज़रअंदाज करके उसने हा दा नारा मारिया इस भलियाई नूं अज तक सिर ते उठाया होया अज तक। लेकिन भुलण वाली गल नहीं इतिहास के पन्ने ने तुसी आप पढ़ लेना शेर मुहम्मद खान वली मुहम्मद खान नार खान ख्वाजा खिजर ये चारे भरा खालसे के उपर अटैक करते हुए खालसे के हथों मारे गए। शेर मुहम्मद खान इस तो बाद को टलिया नहीं है बाबा बंदा सिंह बहादुर जिस वेले आए ने तो ये अगे चढ़ के ते सरकारी पक्ष तो खालसा फौजा के उपर अटैक करता रहा है। जिस ख्वाजा खिजर का मैं हूँ जिक्र कर जा रहा यह इस वेले बच जाता है लेकिन जिस वेले माझे दे सिंह आउंदे ने बाबा बंदा सिंह नाल रलन दे वास्ते ये बंदा अगा रोकदा है ते माझे दे सिंघां दे हत्थों ये ख्वाजा खिजर उस वेले मरदा है। और ध्यान रखने वाली गल है इतिहास का पन्ना जिस वेले बाबा बंदा सिंह जी आउंदे ने 1714 दे विच 1710 दे विच 14 मई नूं
सरहद से झंडा चूरदा है। उस तो बाद मलेरकोटले आते ने तो मलेरकोटले आके इन्हों की हवेली पुट के एक लाश थल्यों कटी गई। वह लाश बीबी अनूप कौर की सी। जिस वेले आनंदपुर साहब खाली होया तो वह बीबी इन्हों के हाथ कितने आ गई। उसनों इन्होंने सिदक तो डलाने का बहुत यतन किया लेकिन वह बीबी कटारी मार के मर गई। इन्होंने अपने विहड़े दे विच उसनों दफना दिता। अंदाजा कर सकते हैं किन्ने को उपकारी सन या की गल सी, कितना को चाचाचार सी। इन्हां भुलण वाली गल नहीं है। तुसीं पढ़े हो जे डॉक्टर गंडा सिंह होरां दी लिखत, तुसीं पढ़े हो जे सरदार करम सिंह हिस्टोरियन दी लिखत, ते तुसीं जाणोगे कि जिस वेले बाबा बंदा सिंह होरां दा जलूस 1715 दे एंड दे विच लंघदा है, इत्थे मलेरकोटलियों लंघदा है, ते मलेरकोटलियां ने विखाए कि असी सिखां दे केसां दे रस्से वट के रखे हुए। इन्हें केस कितों आ गए सन असी अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन जिहड़ी गल मैं पहला अर्ज कीती है, चंगी गल नूं ना संभाल लेना चाहीदा है। लड़ाइयां दे विच लोग भुल्लां करते ने, जे उन्हां भुल्लां नूं पकड़ के तुरिया जावे तो इंसान रल के नहीं बैठ सकते, इकट्ठे होकर नहीं बैठ सकते। असी हमेशा साईं मियां मीर की गल लैके चलण वाले हाँ, अगनी खान नवी खान की गल लैके चलण वाले हाँ, पीर बुद्धू शाह होरां की गल लैके चलण वाले हाँ। इस ही नजरिए तहत अजे तक जिस वे सन 47 होया है तो पंजाब सारा खाली हो गया मुसलमानों को, लेकिन मलेरकोटले के मुसलमानों नूं किसी ने हाथ नहीं लाया। और मलेरकोटलियां दे विचों ही अज अगला भरा सामने आता है। लेकिन सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज उसका जिक्र करते हैं, कहते हैं ज्यों ही माड़ा जिहा सामने आया ना तो उन्हें साडा देखिया। हो सकता है उन्होंने कलगी नजर आ गई कि मैं गुरु साहब के सामने आ रहा बिल्कुल, तो एकदम वो अपना आप बचा जाता है। ये सतगुरु पातशाह इतों वचन करते हैं, कहते हैं जो दीदम के नाहर बेआमद बाजंग चशीता यके धीर मन बेदरंग। जो दीदम जे मैं देख लेंदा कि नाहर बेआमद बाजंग जिसले आया है साड़ी नजर में आ जाता पूरी तरह, तो चशीदा यके तीर मन बेदरंग। बेदरंग होता है बिना देर, तो बिना देरी तो यह जिहड़ा ख्वाजा सी यह भी साढ़े तीर का सुआद चख लैंदा, कोई ढिल नहीं होनी सी। हम आखिर गुरेजन बजाए मसाफ बसे खाना फुरदन दे रूं गुजाफ। हम आखिर वाह मैं लार खान का जिक्र किया हाँ कि आ ख्वाजा मरदूद साया ए दीवार नयामत बा मैदान बा मरदाना वार। सतगुरां ने ख्वाजे नूं मरदूद शब्द वरतिया। मरदूद शब्द का अर्थ लिया जाता है कायर, जिहड़ा जमात विचों संगत विचों या इकट्ठ दे विचों कढ़िया गया हो, कमजोर व्यक्ति कमजोर चाचाचार दा व्यक्ति। कि आ ख्वाजा मरदूद साया ए दीवार, जिहड़ा खिजर ख्वाजा सी ए दीवार दे ओले विच हो गया। ना आमद बा मैदान बा मरदाना वा, ये मर्दां दे वांगू बहादुरां दे वांगू मैदान विच ना आया। फिर कहंदे ने दरेगा अफसोस दरेगा अगर रूए उदी दमे, जे असी वेख लैंदे बा यक तीर लाचार बख्शी दमे, तां एक तीर असी उसनूं भी बख्श देते। हमें आखिर बसे जख्मे तीरो तुरंग तीरो तुफंग। हम आखिर अखीर विच ना बहुत सारे तीर ते बहुत सारियां गोलियां चलियां,
दोसुए बसे कुश्ता सुखदे दरंग ते दोआं पासियां तों बड़ी तेजी दे नाल बहुत सारे मारे गए। दो सूए दोहां पासियां तों बसे कुश्ता बहुत सारे सुखदे दरंग मारे गए। बसे बार बारीद तीरो तूफंग जिमी गश्त हम चूंगुले लाल रंग। बहुत ही सारे बसे बार बारीद बारीदन हुंदा है जिवे मीह वसदा है, अयो तीर ते गोलियां दा मीह वसिया। नतीजे वजो की होया जिमी गश्त जमीन हो गई हमचू अयो हो गई गुले लाला रंग जिवे लाल रंग दे फुल खिलरे पए हुंदे ने अयो खून थां थां ते थां थां ते ढुला होया। और होर सरो पाए अंबो चंदा शुदा के मैदा प्रयाज भूओ चौका शुदा। थां थां ते सरो पाए सिर ते पैर अंबो अंबो मैंने हुंदा है ढेर लगे एक नहीं दो नहीं चंदा कितने सारे शुदा कितने सारे सिरां दे ते लत्तां दे पैरां दे ढेर लगे पै से ते खिलरे पै जिहड़े अयों लगदे सी कि मैदान पुर अज गूह चौगा शुदा। गूह कहिंदे ने गेंद नूं ते चौगा कहिंदे ने खूंडी नूं। गल नूं समझण वास्ते पुराने समय च खिदो खूंडियां होंदियां सी, गेंद नूं खिदो आखिया जांदा सी खूंडी आखिया जांदा सी। तुहानूं शायद खेडण दा कितें मौका बणिया होए जिहड़े सियाणी उमर वाले बैठे हो। अजोके समय दे विच हाकियां आ गईआं गेंद आ गई। अयों समझिए कि मैदान दे विच ना जिवें गेंदां ते हाकियां खिलरियां पईआं हुंदियां ने या ढेर लगे पए हुंदे ने इस तरह थां थां ते सिर पए सन ते लत्तां पईआं हुंदियां सन पैरां सहित। तरंकार तीर तरंगे कमा बरियामद यके हा ओ हो अज जहां। तीरां दी तरंगां तीरां कमानां दी आवाज आ रही सी जिस वेले तंदी ते रख के ते पूरे बल दे नाल तीर छड्डिया जांदा है ते जिथे तीर शूकदा निकलदा है नाल तंदी दी आवाज आउंदी है उहनूं कहिंदे टुनकार तरंकार। उहदियां आवाज़ां आ रहियां ने बरामद यके हा ओ हो। अली हो नारे भी हो सकते ने हा हो मर गए मर गए। इस प्रकार दियां भयानक आवाज़ां जिहड़ियां ने मैदान दे विचों आ रहियां ने। दिगर सोरशा कह बरा कीना कोश जे मरदा ने मरदा बेहूं रफ्त होश। कहिंदे ने उसे वेले ही जिस वेले बड़ी तेजी दे नाल तीर ते तुफंग चल रहे सी गोलियां चल रहियां सी नाल एकदम बरछे चलने शुरू हो गए कैबरा कीना कोश। और इतने बरछे चली बरछेबाजी हुई जे मरदा ने मरदा जेड़े बड़े बड़े तकड़े बहादुर अपने आप नूं कहिंदे सन बेरूं रफ्त होश उन्हां दी होश भी जांदी गई इन्हें घबरा गए। हमें आखिर चे मर्दी कुनद कारजार हमें आखिर चे मर्दी कुनद कारजार के बर चेहल तन आए बेशुमार। सतगुरु महाराज कहते हैं मर्दानगी मैदान दे विच बहादुरी युद्ध दे विच अपना स्थान रखती है बहुत स्थान रखती है पर किस हद तक मर्दानगी की गल की जा सकती है। भाई साढ़े को 40 सन ते बाहर अणगिणत फौजा सन उन्होंने नाल 40 टक्कर लै रहे सन किस हद तक ये 40 की टक्कर जिहड़ी है उन्हां जिक्र किया जा सकता है या 40 किस हद तक लड़ सकते हैं कि बर चेहल तन। गुरु पातशाह कह रहे हैं एक पासे 40 चेहल तन 40 शरीर ते जिवें पहला आखिया सी ओह भी भुखण भाणे गुरसना चे कारे कुणद चेहर नाल गुरसना मैंने भुखण भाणे। 6-6.5 महीने का घेरा पिया होया रज रज के जे अनाज मिलता हो खाण वास्ते तो घेरा कहदा रहा भला। और इस समय के दौरान जो रोज़ ही रज के प्रशादा छकन लई ना मिलता होवे शरीर विच बल किन्ना कु रह सकता है।
सतगुरु महाराज अज फिर कहते ने चे मर्दी कुनंद आखिर चे मर्दी कुनंद कारजार कारजार मैं हों मैदान युद्ध के मैदान आखिर चे मर्दी कुनंद मर्दानगी की कर दी के मर चेहल तन एक पासे चाली आए बेशुमार के दूजे पासे बेअंता आ गए। इस समय की गल है संगत जीओ भावें आप कितनी बार ये प्रसंग सुने तो जिक्र करते होंगे आप सतगुरु महाराज अठ अठ सिंघां नूं जथा बना के बाहर भेज दे रहा है। जिवें कि साडी आम एक प्रचलित गल हैगी है कि 10 लख फौज सी इत्थे भी सतगुरु महाराज का हवाला है भावें 10 लख तो भाव अणगिनत है पर अणगिनत फौज सी। एक पासे अठ होण ते दूजे पासे 10 लख हो गए रेशो किन्नी बनी भला। एक सिंह 1.25 लख के मुकाबले ते आया और साढ़े इतिहासकार इतने जिक्र करते ने गुरु पातशाह ने जेड़ा कदी अमृत छकाउण तो पहला वचन किया सी ना 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। कहते ने यह गल प्रपक भी उस दिन हुई कि अज जो कोई पुछदा भी किन्ने आए हो कहता जी मैं 1.25 लाख हाँ अपनी अपनी गल्लां नहीं कहते क्योंकि 1.25 लाख की बराबरी करने वाला एक सिंह तो वह आखदा मैं 1.25 लाख हाँ। सतगुरु महाराज की कृपा के सदका अठ अठ सिंघां ने 10 लख की भारी फौज के नाल मुकाबला किया। लेकिन सतगुरु जी प्रसंग नूं अगे तोड़दे हुए फिर कहिंदे ने आखिर चे मर्दी कुनद कारजार मैदान दे विच बहादुरी बड़ी गल हुंदी है पर किस हद तक कि बर चेहल तन आए बेशुमार एक पासे 40 ने दूजे पासे बेशुमार आ गए। कहन लगे शाम ढल गई हनेरा पै गया चरागे जहां चूषद बुरका पोश शहे शव बारामद हमा जलवा जोश। जेड़ा सूरज सी छिप गया चरागे जहां चूषद बुरका पोश जिस वेले छिप गया शहे शव बारामद ता रात दा जेड़ा शाह है ना बारामद आ गया चढ़ आया हमा जलवा जोश पूरी सज तज नाल जिस वेले निकल आया। हुण उस वेले होया कि सतगुरु महाराज स्पष्ट नहीं दस रहे दुश्मन को स्पष्ट दसन का मतलब भी कोई नहीं होंदा। लेकिन उस वेले की होया है ये साढ़े इतिहासकार उसकी बरीकबीनी के नाल ना सब कुछ सानू दसदे ने। गुरु साहब उत्थे ना संखेप रूप में कह रहे हैं हरे आंकस बाकौले कुणा आए दस के यजदा मारो रहनुमा आए दस। औरंगजेब एक गल तू ध्यान कर हर आंकस कोई भी ओ मनुख बाकौले कुरा आए दश जेड़ा धर्म ग्रंथ की सहों ते इतबार कर लैंदा है कोई भी ओ मनुख जेड़ा धर्म ग्रंथ की सहों ते कसम ते इतबार कर लैंदा है धर्म ग्रंथ ते इतबार कर लैंदा है कि यजदां बारो रहनुमा आए दश तो फिर जो धर्म पालक मालक आप है ना वो फिर रहनुमा आप बन के आता है रहनुमा में ना अगे वो आप सोझी देता है आप अगवाई करता है आप रस्ता बनाता है आप सारा सबब बनाता है। नतीजे वजो ना पेचीदा मूए ना रंजीदा तन के बेरू खुदा बुरद दुश्मन शिकन। अज तू मेरे सामने होवे तो देखे की देखे ना पेचीदा मोए मोए मैं होता वाल एक वाल भी विंगा नहीं होया ना रंजीदा तन ना शरीर नूं कोई जोखम आया है क्यों कि बेरू खुदा बुरद बाहर कढ़िया किसने अबुरद हुंदा कढ़ना बेरू मैंने बाहर बेरू खुदा बुरद दुश्मन शिकन जेड़ा खुदा शिकन करने वाला है धर्म के दुखियों धर्म के दुखियों मार देने वाला है उस खुदा ने मैनू आके बाहर कढ़िया। संगत जीओ
ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਜਰਾ ਸਾਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਧਰਮ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਧਰਮ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਫ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਹਾਂਜੀ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਸਾਕ ਪੇ ਭੱਜ ਖਲੇ ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ ਚਿੱਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗਈ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਚੌ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ ਚੌ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮਕਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਰਾਤ ਠਹਿਰੋ ਪਿੱਛੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਗੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਹੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ 1 ਲੱਖ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ 1000 ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਪਵੇ 1000 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਹੈ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇੰਨੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੇ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ
इकट्ठे होके आखते हैं और इकट्ठे होके जो आखते ने सतगुरु सच्चे पातशाह इशारा कर रहे ने ये सोझी देने वाला ये जुगती देने वाला कोई होर नहीं खुद आवत खुदा खुद है वाहिगुरु खुद है असी नहीं आखेगा किसी होर ने नहीं ये मत दिती किसी होर ने सिक्ख्या नहीं दिती और ये पहला मौका सी अज के 1699 दे विच खालसा सजाया उन्होंने असी अपनी थां ते खड़ा किया अपनी जोत खालसे बिखे हमने रखी सगल जग बिखे असी आखिया भी इत्थे खड़ो के तुसी सानू भी अमृत तैयार करके छकाओ ते अपने नाल रलाओ तुसी अज 5 साल तो वधीक समा हो गया 5.5 साल तो वधीक समा हो गया जिस वेले खालसे ने फिर अपनी पदवी की संभाल की और पदवी की संभाल करके उन्होंने इस पंथ के बोल आखे जिन्हों कवि सज्जन ने आखिया कि पंथ तैनू हुण हुक्म है करदा तू अगों कुछ कहे नहीं सकता एक मिनट भी घड़ी के अंदर गोबिंद सिंह हुण रह नहीं सकता सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज हुक्म दे अगे बचन दे अगे सिर निभाउंदे ठीक है निकलदे ने निकलण तो पहला कुछ करदे ने और की करदे ने तुहानू मौका बने ना ते महान कोश अपना गुर शब्द रत्नाकर महान कोश भाई कान सिंह होरां ने लिखिया है जिहड़ी बहुत मारके की लिखत अजे भी मनी जाती है भावें विद्वानों ने होर कई नवी गल सामने लिया ने पर फिर भी अजे महान कोश वाली जी है ना पोजिशन बड़ी बदस्तूर है बड़ी कायम है वो लिखते हैं कि हुण सानू चमकौर साहब गया होया उस स्थान के दर्शन नहीं होंगे हुण दा भाव सी कहिंदा भी हुण नहीं हैगा वो निशान नहीं हैगा पर कुछ समा पहला चमकौर साहब के अंदर एक स्थान नूं आख्या जांदा सी गुरद्वारा तिलक अस्थान ऐस स्थान ते सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसे नूं तिलक दिता भाई काम सिंह होरी लिखते ने तुसी ध्यान नाल विचारना हुण जदों तिलक वाली गल असी ध्यान में लियाते हैं असं सोचते हाँ भी वह कोई तिलक लाने वाली थान हैगी सी नाले तिलक का समान कौन चुकी फिरदा सी कोई केसर चुकी फिरदा सी या हल्दी चुकी फिरदा सी या कितने कोल सी ये किवें सब कुछ सबब बन सकता है अर्थां नूं समझिए ध्यान नाल तिलक शब्द का अर्थ हुंदा है वडियाई देना असं केसर का दूजे तीजे तिलकों वाले पासे ध्यान ले जावांगे अर्थ नहीं होगा फिर अनर्थ हो जाता है असं भाव में लीए समझिए गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने इस स्थान से खालसे नूं वड्याई दिती ज़ारा रूप दे विच मानयोग जी आखते हैं वैसे अगे ही गुरु साहब आनंदपुर साहब यह सब कुछ कर चुके सन पर इत्थे दया सिंह और संत धर्म सिंह मान सिंह तीजो बलबीर संत सिंह संगत सिंह पंचों तिनों बिठायो देकर तीर गुरता अर्पण लगे खालसे पंच सिंह तें सोहे शरीर पंचों में नित वर्तत मैं हूं पंच मिले से पीरन पीर गुर कर की मर्यादा पंचों पंचों पाहड़ पूर्व पीन होए तनखाई बख्शे पंचों पाहड़ दे मेर पंच परवीन लखो पंच की वड़ बड़े आई पंच करें सो निफल ना चीन भोजन छादन अर्पण पंचों मन बांचत तिन सब किछ लीन इर पंचन इम पंचन की महिमा कर कै तीन प्रदखना फिर कर दीन अर्पे शस्त्र जिगा अर कलगी निज करते सिर बंधन की आ जिस कलगी करके सारा जगत उन्होंने कलगी धर कहिंदा है सतगुरु सच्चे पातशाह ने अपने हाथी कलगी ला के जिगा सहत एक सिंह के शीश से सुताई
अर्पे शस्त्र जिगा अर कलगी निज करते सिर बंधन कीन अर बोल वाहिगुरु जी का खालसा फतेह। वाहिगुरु जी की जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बुला के सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक अर्थ किया। अगे सारिया गल्लां ने आपां अक्सर ही जिक्र करिया करदे आ कि सिंघां दे नाल बचन विलास होया कि असी ताड़ी मार के जाना चाहांगे, तुसी नगारा वजाउणा है, असी खामोश होके नहीं जाना चाहते। एक युद्ध नीति सी उस ढंग दे नाल जुगती वरत के सतगुरु सच्चे पातशाह चले निकले इत्थों। पर मैं एक ख्याल वल तुहाडा ध्यान दिवाउणा चाहुंदा, वो ये है जिस वेले पंज सिंघां ने पंज प्यारियां दे रूप दे विच ये हुक्म किया, सतगुरु जी ने कोई उजर किया कि ये जिहड़े पंजे ने भावें इन्हां विच दया सिंह है, धर्म सिंह है, मान सिंह है, संत सिंह है, संगत सिंह है, झंडा सिंह है, या दूजे होर ने, या कोई सिंह ने, इन्हां नूं तां सिंह असां सजाया, ये तो साढ़े बनाया बने हुए ने, सानू ही हुक्म करन लगे हुए। एक गल चेते रखन वाली है कि साहिब सच्चे पातशाह महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह जी कदाचित चमकौर की गढ़ी छड़न वास्ते छड़ के जाने लई तैयार नहीं सन। वो अक्सर ही असी गल जिहड़ी है विचारिया सोचिया करते हाँ, जिहड़ी अल्लाह यार खान ने आखी है कि जिस वेले साहबजादा जुझार सिंह जी शहीद होए ने तो सतगुरु महाराज ने फिर आप तलवार कढ़ी म्यान चो और एक बार नजर सूए फलक करके वो बोले असमान वल तक के कहन लगे, होनी है जो आशिक साधक पे वो हो ले, बरछी जी चाहे तो सीने में गड़ो ले, सर काट तन चाहे तो नेजे में परो ले, है शौक शहादत का हमें सबसे ज्यादा, सौ सर भी हो कुर्बान तो नहीं रब से ज्यादा। जे गोविंद सिंह दे सैकड़े भी सिर होण ते गोविंद सिंह सैकड़े सिर भी अज भेट करन लई तैयार है। कोई इहो जी सोच नहीं लियांदी जा सकती कि महाराज सच्चे पातशाह सिंघां नूं शहीद करवा के या पुत्रां नूं शहीद करवा के ते आप बच के निकलना चाहते सन, यह गल नहीं सी। है अपनी मर्जी के खिलाफ गुरु खालसे का हुक्म होता है। और एक बरीकी होर ध्यान करनी, सतगुरु महाराज शीश निवाते ने एक तो सानू यह जुगती सिखाई कि सानू जे गुरु खालसे के हुक्म के सनमुख शीश निवाता है तो गुरु नालों वड्डा कौन है। फिर सतगुरु जी ने खालसे नूं मेरा गुरु आखिया ही नहीं, जिस वेले गुरु का हुक्म मनण का मतलब समा आया मर्जी के विरुद्ध है हुक्म, सतगुरु ने कोई उजर नहीं किया। ठीक है, और इसका यह पक्ष ध्यान ना तुसी देखना विचार के पंज प्यारे साहिबान हुक्म करते ने तुसी गढ़ी छड़ के चले जाओ, पर कोई गरंटी देंदे ने कि तुसी बच के निकल जाओगे? किसी रूप में बचा के बाहर कढ़न की कोई गरंटी है या कोई युक्ति है, कोई साथी नाल दिते जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। और महान शूरवीर, महान योद्धा, महान आगू धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह सोचिया ना होगा कि जिस वेले असी जंग मैदाने जंग छड के तेजी दे नाल किसे पासे नूं निकल रहे होवांगे साडे पिछों गोली वज सकदी है, साडी पिठ विच तीर लग सकता है, दुनिया आखेगी तो की आखेगी? ये कल का जरनैल, कल का योधा, कल का आगू, उसकी पिठ विच गोली लगी है, उसकी पिठ विच तीर लगा है। कितनियां गल्लां क्यासियां जा सकदियां ने, अनुमानियां जा सकदियां ने, लेकिन साढ़े सारे दे
ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ, ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਸਨ। ਜਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਖਾਈ, ਇਉਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਗੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸੱਤਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਠਵੇਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੌਵੇਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਭਲਾ ਕਲਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅਕਲੀਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਗੀ ਜੋੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਲਗੀ ਵੀ ਲਾਹ ਕੇ ਪੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਲੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਲ 2014 ਲੰਘ ਗਿਆ, 15 ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੇਂਜਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 2014 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੇਂਜਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚੈਲੇਂਜਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਲੇਂਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੈਲੇਂਜਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਵਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਠੰਡਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਤੱਤੇ ਠੰਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੱਤੇ ਠੰਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਛੋਟੀ ਦੇ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਦੇ ਦਿਵਾਵੇ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਮਿਲਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦਾ ਗੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਸੂਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੋਪਖਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ?
ਜਿਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਰੀ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਤੁਮ ਚੜੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚੜੋ, ਹਮ ਤੋ ਵੀ ਚੜਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਤੋ ਮਰ ਹੈ ਗੋ, ਜੋ ਮਰੇ ਨਾਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਤੇ ਨਾ ਚੜੋ, ਨਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਸੂਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਸਿਆ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਮਤਾ ਸੋਧਣਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਵਾਲ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਵਾਕ ਲਿਆ, ਪੰਜੇ ਬੱਧੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਢੋਆ ਵਾਕ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਸੂਰ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੱਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਠੰਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹੌਲੀ 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 ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ 2015 ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੰਗਾਰਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ RSS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾਂ ਲੈ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੌਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰੇ ਆਏ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੈਲੰਡਰ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ, ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬੂਹਾ ਦੀਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ
वो कितने मुश्किल दे विचो लंघे चमकौर साहब तो लैके माछीवाड़ा साहब तक पहुँचते हुए कितनी भजदौड़ होई इकले पहुँचे सारा कुछ होया किनिया मुश्किल वाला दौर आया दुश्मन दिया फौजा के भेस बदला के उचदा पीर बना बन के किते दे किते पहुँचे सारिया मुश्किल झलण वास्ते महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी तैयार ने लेकिन गुरु खालसे के हुक्म नूं खड़े मत्थे मन्निया हर हालत विच साहिब सच्चे पातशाह चमकौर साहब जी यह गल करदे होया ना पे चीज का मोहे ना रंजी का तन के बेरू खुदा बुरद दुश्मन शिकन ये गल समझाउंदे होया साढ़े भी पल्ले विच ना साढ़ी झोली विच भी यह गल पा जांदे ने याद रखियो जे जे धर्मी बन के जिंदगी विच चलोगे सिदकी बन के जिंदगी विच चलोगे तो परमेश्वर खुदा साहब सच्चा पातशाह तुहाडे सारयां दे सिर ते आ जिसका साहिब डाढ़ा होए हाँ जी इसनों मार ना सका कोई जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै साहब सच्चे पातशाह इवें कृपा करन असी सारे जुड़िए ते अरदास करिए मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुदे आगै अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती भोलो फिर समाप्ति कर दू मेरा दुख सुख तुझी पास दुख सुख तुझी पास मेरा दुख सुख मेरा दुख सुख तुझी पास मेरा दुख सुख तुझी पास मेरा दुख सुख गुरु पातशाह हमेशा कृपा करते ने अवश्य कृपा करे ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई गुर मेरा संग सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा सदा ऐसा होया है हो रहा है ऐसा ही होगा गुरु पातशाह कृपा करेंगे समुचे पंथ नूं सदा चढ़दी कला बख्शेंगे ये पुरसा दिवाउंदा होया ते भावना प्रगट करता होया तुहानू जी आया कहिंदा ते मुबारकां दिंदा हां ते खिमा मंगदा गज के फतेह बुलाइए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।